ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती मध्य प्रदेश के दौरे पर सतना पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी का चुनाव प्रचार कर जनसभा को संबोधित किया। एमपी विधानसभा में नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं और इसी क्रम में बसपा प्रमुख मायावती मध्य प्रदेश के सतना पहुंची, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसमर्थन जुटाया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, बसपा का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मध्य प्रदेश में समझौता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने दलितों पिछड़ों को पूरा आरक्षण अपने कार्यकाल में नहीं दिया, जिससे दलित आदिवासी और पिछड़ों को नुकसान होने की बात भी उन्होंने कही। अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके मध्य प्रदेश स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा आम चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब बरसों बीत। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।